अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो मैं आज बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल राजस्थानी मिर्च पकोड़ा। और ये है, देखिए आजकल जो चल रहा है एग बोंडा, वो बना रही हूँ मैं। इतना टेस्टी, मौत वाटरिंग, जैसे कि आप बाज़ार से लाए हैं इस तरह से ये टेस्ट है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए गाइस। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। इतना इजी है ये मेथड, आप ज़रूर रमज़ान में इफ्तार में ट्राई कीजिएगा। तो ये है देखिए राजस्थानी मिर्ची जो यहाँ पर मिलती हैं। तो ये मिर्च मैंने एकदम से पूरा अंदर का जो गुदा है वो सारे बीजे सीड्स उसके सारे निकाल ली हूँ। और ये है बेसन 100 ग्राम, अंडे भी मैंने उबाल कर रख लिया है। बहुत इजी है गाइस बनाना। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा देखिए ये कच्चा ज़ीरा है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पकौड़ों में। और थोड़ी सी मैं एक पिंच मैंने इसमें देखिए ये मीठा सोडा ली हूँ। थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने इस्तेमाल किया है, बिल्कुल कम, हाफ पिंच, देखिए हाफ पिंच। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे स्वाद बहुत बढ़ता है, तो हाफ टी स्पून ली हूँ मैं। और ये रेड चिली पाउडर आप कम या ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग से ले सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। तो मैंने इसमें नमक हाफ टी स्पून इस्तेमाल किया है, मिर्च पाउडर भी हाफ टी स्पून, क्योंकि एकदम से मैं बाज़ार जैसा बना रही हूँ। तो चलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी करके हम एक अच्छा सा घोल बना लेंगे, यानी बैटर, थिक बैटर बनाना है हमें, लूज नहीं। इस तरह से हम लम्स पूरे जाने तक इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। एक बीटर से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो गैस सबसे पहले हम बैटर इसलिए बना रहे हैं कि इसको रेस्ट मिल जाएगा, हम बाकी की दूसरी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। इतने अच्छे बनते हैं गाइस एक बोंडा और जो राजस्थानी स्टफिंग मिर्च पकोड़ा, बहुत अच्छा रहता है टेस्टी, आप ज़रूर रमज़ान में इसे ट्राई कीजिए गाइस। तो टू टाइप्स ऑफ मैं स्नैक्स बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा हरा धनिया हमने फेंटने के बाद डाला है, इससे भी बहुत फ्लेवर भी आता है और लुक भी बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों का। इस तरह से खाली पत्तियाँ डालिए आप हरे धनिया की, कोरिएंडर लीव्स रहना है, कोरिएंडर लीव्स डालिए, डेंटल्स मत डालिए इसकी। चलिए इस तरह की थिकनेस इसकी रहना चाहिए बैटर की, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसे साइड कर देंगे। और अब है ये आलू मैश, मैंने उबाल कर कर लिया है 250 ग्राम। इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, हरी मिर्च 1 टीस्पून बारीक चॉप कर लिया है, ये हरा धनिया और पुदीने के पत्ते मैंने इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। चलिए अब इसमें हम नमक भी डालते हैं 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने बैटर में भी नमक मिलाया है तो इसी वजह से। और इस ये है बादशाह चाट मसाला, इससे बहुत टेस्ट अच्छा सा आता है आलू के मैश, जो हमने आलू के जो स्टफिंग कर रहे हैं उसमें बहुत टेस्ट आता है। तो देखिए गाइस मैं उसमें लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये स्टफिंग में मैं काली मिर्च हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप ऊपर से जब मिर्ची जैसे कोटिंग का मज़ा लेंगे तो वो एक अलग मसालों का रहेगा, और जो अंदर की स्टफिंग रहेंगी तो वो एक अलग से आपको मज़ा अंदर मिलेगा, यानी बेहद टेस्टी और एकदम से लज्जेदार मैं बनाकर आपको बता रही हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस। तो ये काली मिर्च और इसका हरा मसाले का कॉम्बिनेशन इसमें हरी मिर्च का इतना अच्छा देता है चाट मसाला, तो पूछिए ही मत। तो देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मैश कर लिया है ताकि ये स्टफिंग अच्छी हो सके, इसमें लम्स नहीं रहना है। पोटैटो मैश अच्छा सा कीजिए आप, एक भी इसमें गुठली नहीं रहना है। तो इस तरह से एकदम से सॉफ्ट बनाकर रखिए। अब चलिए हम मिर्च लेते हैं और इसमें स्टफिंग कर देते हैं आलू की। देखिए तब तक हमारा बैटर एकदम से अच्छा सा रेस्ट ले लेगा और फ्लफी बनकर हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे, जैसे कि बाज़ार में हम खाते हैं। तो इस तरह से हम सारे मिर्चों को ऑलरेडी साफ़ करके चीर कर रखा था, तो इसके अंदर हम दबा दबा कर आलू भर देंगे। ये तो बहुत पसंद आएगा हर किसी को। मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि फास्टिंग में लोग प्याज नहीं खाते हैं और नमाज भी नहीं होती है इसकी, तो रोज़ा हमारा ख़राब भी हो सकता है, नमाज नहीं होती है, फरिश्ते हमारे करीब नहीं आते हैं प्याज और लहसुन की खुशबू से।
तो इसकी वजह से मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, काट कर मैं बाद रखी हूँ। चाहे तो आप, अगर आप प्याज खाना इसके साथ पसंद करते हैं तो प्याज लीजिए, साइड में रख लीजिए, इसमें मैं नहीं डाली हूँ। खाली समय में आप प्याज इसमें ऐड कर बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइएगा, बहुत बहुत टेस्टी बनता है। तो सारे हमने इस तरह से स्टफिंग कर लिए हैं सारे मिर्चों में, तो देखिए हमने अच्छे से इसमें भर भर कर दिए हैं। अब ये उबले हुए अंडे हैं, 4 एग्स मैंने लिया है, एकदम बॉईल करे हुए हैं। तो चलिए हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल कर लेंगे, और छोटे छोटे यानी आपके हिसाब से मीडियम साइज़ का मैंने एक एक पोर्शन लेकर आलू का जो मैशर है, मैश करा हुआ आलू है, उसको मैं अच्छे से अपने हथेलियों में फैला दूँगी और इसकी सील कर दूँगी। मैं अंडा रख कर स्टफिंग करेंगे इसकी, अंडा अंदर जाएगा और इसको अच्छे से सील कर देंगे हम आलू मैश से, मैशर जो हमने मैश करा हुआ आलू है उससे अच्छे से इसे पूरी कोटिंग कर देंगे, यानी सील कर देंगे सारा। तो इतना टेस्टी बनता है और इतना ईजी है, देख सकते हैं आप, कहीं से भी ये फटा नहीं लग रहा है, कहीं से भी शांत नहीं रहना चाहिए। तो देखिए मैं आपको दूसरा भी बता रही हूँ, इस तरह से फैला दीजिए हथेली पर और इसके बीच अंडा रख लीजिए और इसे अच्छे से सील कर दीजिए। बहुत टेस्टी है गाइस, आप ज़रूर ट्राई कीजिए आपके रमज़ान पर, इफ्तार में आप ज़रूर बनाइए, आपके पड़ोसी आपके फैन बन जाएंगे आपके खानों के। तो देखिए इस तरह से सील कर देना है हमें पूरी चारों तरफ से, कहीं से भी खुला नहीं रहना है। तो गैस जिस किसी भी मेरे रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, और जिस किसी भी पसंद आना है तो प्लीज़ गुड कमेंट्स कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो गाइस इस तरह से हम सील कर देंगे सारे अंडों को, इस तरह से करते करते आपको सारे ये अच्छे से सील हो गया, आप देख सकते हैं आप चारों ओर से। तो इसका साइज़ भी बड़ा हो गया। अब जब हम इसकी कोटिंग करेंगे यानी डीप करेंगे बेसन में, तो ये थोड़ा सा छोटा बच गया है पोर्शन, तो इसे भी मैं अच्छा सा गोल आकार में इसे बनाकर इसे भी एक बुंडा टाइप में फ्राई कर लूँगी। तो देखिए सारे हम बनाकर स्टफिंग कर रख दिए हैं इस तरह से। अब इसे हम एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेते हैं डीप फ्राई करने के लिए। मैं छोटी सी कढ़ाई ले रही हूँ क्योंकि तेल कम लगता है इस तरह से बनाने से। तो देखिए हम एक बार इसे अच्छे से इस तरह से फिर से हम इसे फेंट लेंगे थोड़ा सा चम्मच की सहायता से। तो देख सकते हैं चम्मच को कितनी कोटिंग ये लग रही है। तो ये परफेक्ट बैटर बन के हमारा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें अंडे डालेंगे, यानी जो एक बोंडा है इस तरह से हम, देखिए मीडियम फ्लेम पर मैं बना रही हूँ, हाई फ्लेम पर नहीं। इस तरह से सारी कोटिंग कर लेंगे हम बेसन की और इसे डीप फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे कढ़ाई में। आप एक एक भी कीजिए बहुत अच्छा रहेगा, ये चिपकेगा नहीं और सही अच्छे से फ्राई भी होगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप बड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह छोटी कढ़ाई में आप फ्राई करेंगे तो आपके ऑयल की बचत बहुत होगी। चलिए हम इसे पलटा कर एक एक मिनट तक एक एक साइड इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो ये दूसरी साइड भी अच्छे से सेका जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, जैसा कि हम स्ट्रीट से गुजरते हैं तो जैसी स्मेल आती है हलवाई की तरह, ऐसी स्मेल हमारे घर में एकदम से अरोमा इसका महक रहा है मेरे घर पर। और खाने में तो लाजवाब है गाइस, इतने टेस्टी, इतने माउथ वाटरिंग कि पूछिए मत। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कम इंग्रेडिएंट्स में एकदम बेस्ट डिश बनकर रेडी हो रही है और बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं एकदम से, और हम अब ये तीसरा वाला भी अंडा, फर्स्ट हम अंडा इसलिए कोटिंग कर रहे हैं ताकि बेसन इससे अच्छी से कोटिंग हो।
मिर्च अगर हम पहले फ्राई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी कम भी हो सकती है, यानी फिर हमें बैटर बनाना पड़ेगा। अगर मिर्च में हमें इसमें अगर हमें बराबर हो गया तो मिर्च में हम थोड़ा सा बैटर में पानी मिलाकर भी हम फिर से उसे डीप कर सकते हैं मिर्चों। तो देखिए कितने अच्छे ये एक बोंडा बनकर रेडी हो गया है। तो साथ में जो भी अगर आपको छूट रहे हैं, जैसे कि देखिए उस साइड से आप साफ़ कर लीजिए ऑयल को भी, और इसके भी साइड साफ़ कर लीजिए। तो चलिए अब मिर्चों की बारी है, तो इसे भी हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे, डीप कर लेंगे बेसन में, और इसे भी इसके भी पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे। तो ये है राजस्थानी मिर्च पकोड़ा। इसके ऊपर भी आप प्याज डालकर दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इतने लजीज, इतने टेस्टी बनकर ये रेडी हो गए हैं गाइस, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम इंग्रेडिएंट्स में बेस्ट डिश हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो देर किस बात की है गाइस, अभी से आप ट्राई कीजिए और अपना रमजान खुशियों से भर लीजिए। तो देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, यानी बबल्स कम हो गए हैं इसके, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए आप कलर भी कितना फाइन आया है इसका गोल्डन। तो अब जो भी बचे कुचे अभी है हमारे पास मिर्च हैं, उसे भी हम कोटिंग करेंगे इस तरह से और तेल में छोड़ते जाएंगे, और साइड्स में जो भी छूट रहे हैं बेसन की कलियां, तो उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से, इसे होने दीजिए एक तरफ से, इसे पलटा लीजिए। देखिए ऑयल है, आप देख सकते हैं मैंने फुल फ्लेम पर रखा है। तो देखिए एकदम मॉट वाटरिंग हमारे मिर्च पकोड़े राजस्थानी बनकर रेडी हो चुके हैं, एक बोंडास और मिर्च पकोड़ा राजस्थानी। तो ये स्टाइल आपको कैसा लगा है गाइस, इसे मैं तोड़कर भी बताती हूँ। इतना स्टफिंग, इतना फ्लेवरफुल, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, और खाने में तो लाजवाब। तो देख सकते हैं आप, मैं प्याज भी साइड में रखी हूँ, उसके साथ भी आप ले सकते हैं। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे मैं काट कर भी बताऊंगी, आप देख सकते हैं। चलती हूँ, दुआ में याद रखना गाइस, अल्लाह हाफिज़। तो इसे मैं काट कर भी आपको बताऊंगी ये कितना अच्छा बन चुका है। इस तरह से हम कट करेंगे, इसे आपको दिखाते हैं, एकदम से ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट, इतने माउथ वाटरिंग, इतने फर्स्ट क्लास ये बनकर रेडी हो गए हैं गाइस। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने घर में वाह वाह पाइए, अपने फैमिली के फैन, अपने फैमिली के हीरो बन जाइए। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।